नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक मिस्टेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप ही के एक मिस्टेक के बारे में जिस कारण से आपको ना ज़्यादा लड़कियाँ लाइन नहीं मारती। डोंट वरी, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहने वाली है। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो हर लड़की आपको लाइन मारेगी, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम यार 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखो यार क्या होता है, आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपको कोई लड़की जब पसंद आती है, आप उसको पटाना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो और आप ना उसे प्यार करने लगते हो, ऐसा सब कुछ होता है ना, तो आप क्या करते हो कि आप उस लड़की के पीछे भागने लगते हो, ठीक है? आप अपने प्यार को प्रूव करने की बहुत कोशिश करते हो, उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हो कि आप बहुत प्यार करते हो उसे। और इस क्रम में ना आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि उस लड़की के पास जाना, उसे बार बार देखना, स्माइल करना, उस लड़की को स्पेशल फील करवाना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो इन सब चीज़ों से काफ़ी अलग होने वाली है, वो ये है कि आप जब भी किसी लड़की को पटाना चाहो ना तो आप बस एक काम करो, वो क्या है बताए, कि आप जितना उस लड़की के ऊपर ध्यान देते हो ना उतना अपने आप के ऊपर भी दो। भाई बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि वो लड़की को पसंद करते हैं और लड़की को पटाने के लिए ये सारी चीज़ें करने लगते हैं कि भाई यार कोई हद ही नहीं होता उसमें, ठीक है? वो लड़के ना खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते और पता है यही एक गलती कर देते हैं। देखो यार एक बार मैं समझाता हूँ, अगर कोई भी लड़की ये देखती है ना कि ये लड़का मेरे पीछे एकदम हाथ धो के पड़ा है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो वो लड़की ना उसे थोड़ा बहुत हवा बनाने लगती है और उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। जब तक आप किसी लड़की को ये ना फील करवाओ कि यार आप जो है ना उस लड़की के पीछे तो हो, आप उस लड़की को पसंद करते हो, लेकिन आप भी ना कुछ कम नहीं हो, आपके पीछे भी बहुत सारी लड़की है लेकिन सिर्फ आप उसके पीछे हो, तब क्या होता है कि लड़कियों के अंदर ना मतलब एक कॉम्पिटिशन सी हो जाती है कि जिस लड़के के पीछे इतनी सारी लड़कियां हैं वो लड़का मेरे पीछे है। और ऐसा जब आप फील करवाते हो लड़की को तो लड़की तुरंत आपकी झोली में गिरती है। ये चीज़ याद रखना, आप बहुत बार ऐसा नोटिस कर चुके होंगे कि बहुत सारे जो प्ले बॉय होते हैं ना जो हर एक लड़की से फ्लर्ट करते हैं, ठीक है, उससे बहुत जल्दी लड़कियां पट जाती है, उसे तुरंत सेट हो जाती है लड़कियां। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता कि ये लड़का बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, लेकिन होता पता है क्या है कि उसे ऐसा लगता है कि ये लड़का ना हर एक से फ्लर्ट करता है तो हर एक लड़की भी इससे फ्लर्ट करती है और हर लड़की इसके साथ रहना चाहती है, पर फिर भी ये लड़का सिर्फ मुझे वैल्यू दे रहा है। और होता भी ऐसा ही है, वो जो फ्लर्टिंग वाले जो लड़के होते हैं ना वो लड़की को ऐसा बोलते हैं कि अरे यार मैं बस तुम ही से प्यार करता हूँ, उससे तो बस मैं ऐसी बात कर रहा था, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बोल बोल के लड़की को ऐसा फील करवा देते हैं कि मेरे पीछे तो बहुत सारी लड़की है लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ, और ये बोल करके ना वो उस लड़की को पटाते हैं। और इस चीज़ को ना आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो और आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी लड़की को पटाना चाहते हो तो आप उसके ऊपर जितना ध्यान देते हो खुद के ऊपर भी दो, आप अपने आप को भी एक वैल्यूएबल फील करवाओ। उसके बाद पता है क्या होगा, अगर वो लड़की आपसे पटती है जो कि एकदम 100% पटने वाली है, अगर पट जाती है तो बहुत अच्छा, पर अगर आप नहीं पटती ना आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उस पर एक खरोच तक नहीं आएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? तो यार उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है ना तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप एक बार बेल आइकन को भी जरूर से चेक कर देना, ठीक है? तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।